हेलो दोस्तों, वे टू फिट लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रोटीन पाउडर के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, उसके नुकसान क्या हैं। इसलिए पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो पूरा देखें। आजकल बॉडी बिल्डिंग का जमाना है, फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए जिम और वर्कआउट बहुत जरूरी है। हालांकि वर्कआउट करने वाले लोगों में प्रोटीन का चलन भी आजकल बहुत बढ़ रहा है। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट फायदेमंद है? क्या इसे लेना आवश्यक है? आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। पहले जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक पोषक तत्व है। हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब्स होता है। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन मसल्स को स्ट्रॉन्ग और बढ़ने में मदद करता है। अब जानते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है। हैवी एक्सरसाइज के दौरान मसल्स टूट जाते हैं। यही कारण है कि मसल्स को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज के बाद शरीर को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन सप्लीमेंट एक प्रकार का प्रोटीन पाउडर है, जो मांसपेशियों की ताकत बनाने के लिए तुरंत प्रोटीन प्रदान करता है। प्रोटीन सप्लीमेंट किसे लेना चाहिए? आजकल जिम जाने वाले हर व्यक्ति फैशन के लिए प्रोटीन लेना चाहते हैं, क्योंकि पुरुष तुरंत बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं और महिलाएं दुबली दिखना चाहती हैं। प्रोटीन का डाइजेशन तभी होता है जब आप केवल वेट ट्रेनिंग करते हैं। शरीर को उस दिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है जब आप केवल कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज के दौरान मसल्स टूटते नहीं हैं। अगर आपने अभी वेट ट्रेनिंग शुरू की है तो आप सामान्य भोजन से भी अधिक प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तब अधिक प्रोटीन प्राप्त करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है, और आपके आहार में प्रोटीन फूड शामिल करें। हमने प्रोटीन के फायदे और उसमें फूड स्रोत के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जिम ज्वाइन करने के एक दो महीने के बाद प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हो, वो भी अपने डाइटेशियन से कंसल्ट करके। लोगों का मानना है कि अधिक प्रोटीन पाउडर लेने से मसल्स जल्दी बनते हैं और शरीर मजबूत होता है, लेकिन ये धारणा गलत है। जब बड़ी मात्रा में प्रोटीन लिया जाता है तो शरीर में ये जमा हो जाता है। शरीर में कुछ भी केवल फैट के रूप में संग्रहित होता है। अधिक प्रोटीन खाने से केवल फैट बढ़ता है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए प्रोटीन वर्कआउट के हिसाब से लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट शरीर को तुरंत प्रोटीन प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन शेक में प्रोटीन आसानी से पच जाए, इसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि न केवल प्रोटीन शेक बल्कि मल्टीविटामिन भी लेना जरूरी है। प्रोटीन को शरीर में ठीक से अवशोषित करने के लिए विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लेना चाहिए। अमीनो एसिड को पचाने और रक्त में अवशोषित करने के लिए अधिक मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती है। यदि आप वजन घटाने के साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य के लिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप अधिक प्रोटीन प्राप्त करने के लिए डाइटिशियन के साथ आहार योजना पर काम कर सकते हैं। उसके लिए अतिरिक्त प्रोटीन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आज हमने प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जीवन में कुछ उपयोगी साबित होगा। यदि आप किसी भी हेल्दी भोजन या फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर हमें कोई सुझाव या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको जवाब देंगे और आपके सुझाव पे वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें, और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।